बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपके साथ शबे बारात की एक बहुत बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आए हैं। आप सब समझ ही गए होंगे, चने की दाल का हलवा। तो ये देखिए, तकरीबन हमने आधा किलो चने की दाल ले लिया है और इसको हमने 2-3 घंटे के लिए अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था। तो इससे ये होता है भिगोने से कि दाल हमारी जल्दी से गल जाती है, और इसको हम दूध में बॉईल करेंगे। तो चलिए इसको हम धुल के चढ़ाते हैं। इसको अच्छे से वॉश करके आप पतीली में या कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी भीगी हुई है, तो ये जल्दी से 2 से 3 सीटी में कुक हो जाएगी। और इसको हम दूध में ही बॉईल करेंगे। आप इसको पानी में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन दूध में बॉईल करने से इसका जो स्वाद होता है, जायका जो होता है, वो सोंधा सोंधा आता है, और थोड़ा सा दूध के साथ कुक होने से दाल बहुत मुलायम और सॉफ्ट हो जाती है। तो इसके अंदर हम दूध शामिल कर देंगे। तो देखिए, अब इसमें हम ढक्कन लगा देते हैं और गैस पे चढ़ा देते हैं और तकरीबन 3 सीटी ले लेंगे। तो देखिए, प्रेशर कुकर हमने चढ़ा दिया है और इसको अब हम बॉयल होने देते हैं, और चलिए फिर इसको उबलने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए, दाल हमारी अच्छे से बॉयल हो गई है, और ये देखिए कितने अच्छे से ये है टूट जा रही है। तो इसको हमने दूध में अच्छे से उबाल लिया, और 2 से 3 सीटी लगने के बाद अब ये ठंडी हो गई है। इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे, और या तो आप इसको सिल पे भी पीस सकते हैं। और इसको अब हम अच्छे से पीस लेंगे। दाल हमारी अच्छे से पीस गई है, और आधा किलो ये दाल है, आधा किलो दाल है, और आधा ही किलो शक्कर, और थोड़े से काजू बादाम और नारियल। तो देखिए, पतीला हमने गर्म करने को रख दिया था, अब इसके अंदर हम देसी घी डालेंगे। जो घर में हमने घी निकाला था उसी का यूज़ हम करने वाले हैं। तो चलिए इसमें घी हम डाल देते हैं। तो इसके अंदर हम दाल को भूनने के लिए इसमें घी डाल दिया है, और इसके अंदर अब हम दाल जो हमने पीस के रखी है उसको शामिल कर देंगे, और इसकी खूब अच्छे से हम भुनाई करेंगे घी में, और इसको अच्छे से घी में हम भून लेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन होगी तब समझिएगा हमारी दाल जो है अच्छे से भून गई है। देखिए, तकरीबन ये इसका पानी ऑलमोस्ट, जो मतलब इसका मॉइस्चर था, वो ऑलमोस्ट 50% ड्राई हो गया है, और सारी मेहनत इसमें चने की दाल को भूनने में ही होती है। तो अभी और भूनना जब तक इसका मॉइस्चर पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। तो देखिए, तकरीबन ये हलवा हमारा जो है, जो चने की दाल हम भून रहे हैं, ऑलमोस्ट अब ये डन है, और इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर इसके किमाम की तैयारी करते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से ये भुन गया है, और कितना अच्छा इसका गोल्डन कलर आया है। तो चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। जिस पतीले में हमने चने की दाल भुनी थी उसी में हम बना लेंगे। तो इसमें हम देसी घी डाल देंगे। आप इसको तेल में, अरे सॉरी, आप इसको डालडे में भी बना सकते हैं। और इसके अंदर अब हम ये डाल देंगे, और ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। इसको डाल
और इसके अंदर अब हम पानी डाल देंगे और तकरीबन आधा किलो शक्कर। और इसके अंदर हम फूड कलर भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे। फूड कलर डालने से ये होता है कि ये बहुत खूबसूरत लगने लगता है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप फूड कलर डालना चाहेंगे या नहीं चाहें। हमारे यहाँ पड़ता है तो हमने डाल दिया है और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और आई लव चने की दाल का हलवा, जो चीज़ मेहनत से बनती है उसका मज़ा जो है बहुत मज़ेदार और ज़ायकेदार होता है। तो शिवरात से पहले मेरी ये रेसिपी आपको मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला आप इसको बना के देखिएगा, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है खा करके। और कुछ लोग चने की दाल भूनते ही वक्त उसमें शक्कर और मेवे सब शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा नहीं बनता है और वो ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है। लेकिन जो ये हम एक तार की चाशनी बना के हलवा बनाते हैं, ये काफ़ी दिन तक स्टोर रहता है। और हमारी अम्मी तो शबरात का हलवा जो बनाती हैं तो रमज़ान में अक्सर इसी से रोज़ा खोलती हैं, शबरात के हलवे से। तो हमारे घर में तो सब शौकीन है, सिर्फ मेरे बेटे को छोड़ करके। तो चलिए इसको हम एक तार की चाशनी होने तक अच्छे से पका लेते हैं। तो इस स्टेज पे आप इसके अंदर खोया भी भून करके डाल सकते हैं। और प्लीज़ पीछे की आवाज़ को इग्नोर करिएगा, छोटा बेटा बहुत मस्ती कर रहा है। तो खोया डालने से इसका टेस्ट जो होता है वो अच्छा हो जाता है। खैर इस लॉकडाउन में खोया तो मिलना नहीं है और ना इतना दूध इफ़राद है कि खोया बनाया जाए। तो बस हमने आपको बता दिया, अगर आप खोया डालना चाहें तो खोया घर में भी बना के या बाज़ार से ले करके आप उसको अच्छे से भून करके इसी चाशनी में ही जब आप पानी डालेंगे तो खोया भून के डाल दीजिए बस। वैसे ये बगैर खोए के भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि हमने चने की दाल को दूध में बॉयल किया था तो उसकी वजह से ये बहुत ही सौंधा सौंधा बनता है। और आप चाशनी को दूध में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने दूध में चने की दाल बॉईल की थी इसलिए हम दूध में चाशनी नहीं बना रहे हैं। तो जिसमें हम हलवा जमाएंगे उसमें उस सीनी में अच्छे से हम देसी घी लगा लेंगे। तो चाशनी हमारी हो गई है, अब इसके अंदर हम भुनी हुई चने की दाल शामिल कर देंगे। अच्छे से हम चला लेंगे। तो देखिए इसको हमने सीनी में जमा दिया है और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको हम डायमंड शेप में और जिस शेप में आपने काटना है काट लीजिएगा। तो बताइए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। बस आज का वीडियो यहीं तक, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।